हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी लोगों का डब्ल्यू डब्ल्यू की एक और नई गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो भाई, जैसा कि आप देख सकते हो, आज मैं खेलने वाला हूँ स्मैकडाउन वर्सेस रॉ, जो मेन पहला स्मैकडाउन वर्सेस रॉ था। तो भाई, ये मेरी फेवरेट गेम है स्मैकडाउन वर्सेस रॉ में से। वैसे तो यार, और भी सारी स्मैकडाउन की सीरीज बहुत बढ़िया थी स्मैकडाउन वर्सेस रॉ की, पर ये पहली है क्योंकि इसमें ना पूरा सिस्टम जो है वो हेलकम द पेन के जैसा ही है। सिर्फ कुछ कुछ चेंजेस हुई थी, ऐसे कॉमेंट्री ऐड हो गई थी और फिनिशर जो है वो थोड़े और मतलब अट्रैक्टिव कर दिए गए थे दिखने में, बाकी सब बढ़िया है। स्मैकडाउन वर्सेस रॉ का भाई पोस्टर था वहाँ पे। तो यहाँ पे भाई हम खेलेंगे सर्वाइवर 6 मैन बैटल रॉयल। तो भाई यहाँ पे खेलता हूँ, तो मुझे भाई इसमें एक कन्फ्यूज़न ये भी है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये बैटल रॉयल जो अभी के टाइम की हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है खेलते हुए, ऐसा ना हो कि ये वो वाली बैटल रॉयल हो कि भाई बंदे को बाहर फेंकने, अगर हराने वाली हुई तो भाई ठीक है, फिर तो मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पे भाई मैं रैंडम सेलेक्ट करने वाला हूँ जिमी स्नुका। रे नहीं यार, जिमी स्नुका नहीं, कोई बड़े सुपरस्टार के जारी को मतलब शायद रेसलर यहाँ पे अनलॉक भी है। अंडरटेकर, अंडरटेकर लेके खेलें भाई, कुछ ज़्यादा ओवरऑल हो जाएगा। ट्रिपल एच का ज़्यादा अंडरटेकर सबसे। चलो अंडरटेकर लेके खेले, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। इसमें तीन तीन फिनिशर ही है, तो क्लीन रखें, डर्टी नेचुरल भाई, क्लीन खेलते हैं तो क्लीन ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे अपोनेंट जितने भी हैं वो होंगे जिनका सबसे ज़्यादा ओवरऑल होगा। तो ट्रिपल एस तो आपने देख लिया, तो ट्रिपल एस तो भाई ज़रूर होने वाला। ओके चलो, सुपर स्टार सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। चलो भैया, तो आप लोगों के सामने है ये सुपर स्टार, यही थे भाई हाइएस्ट रेटेड सुपर स्टार। वैसे तो रॉक भी हैं, कुछ लेजेंड्स हैं, पर वो लॉक है भाई इस गेम का। मैंने सीजन मोड नहीं खेला, सीजन मोड खेलो तो करेंसी मिलते हैं, उससे आप प्लेयर अनलॉक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो उसका सीजन मोड खेलूँ तो भाई चलो किसी दिन लाइव में या फिर ऐसे ऑफलाइन खेल लूँगा, पर टाइम आजकल थोड़ा कम ही मिलता है। अगर मिलेगा तो भाई पक्का खेलेंगे, वो प्लेयर भी अनलॉक कर लेंगे। फिलहाल तो अंडरटेकर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं अंडरटेकर लेके खेल रहा हूँ। ट्रिपल एच अपोनेंट में कर्ट एंगल, शॉन माइकल्स, जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का ओवरऑल 88 है। तो जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन भाई इनका मेन आया था भाई यहाँ पे पोस्टर, मतलब स्टोरी के रिलेटेड से आता है ना भाई थीम। तो उसमें रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं और स्मैकडाउन और रॉ आपस में टकराते हैं, मतलब मेन आप इन्हीं को समझ लो भाई इस गेम के। ओके तो लीन आया है इनके ऊपर, और अरीना कौन कौन से हैं, बैड ब्लड, वेंजेंस, समर स्लैम। तो भाई पीछे समर स्लैम किया ना, चलो समर स्लैम ही लगा देते हैं, सही है भाई। फोटो खींच चुका है, ओके एंट्रेंस ऑन है भाई, एंट्रेंस ऑफ करेंगे। चलो भाई लोग एक बार और फोटो खींचा जाएगा, सीधे प्ले करेंगे भाई इस बार, कर दिया। तो भाई जो भी बंदा वीडियो के अंदर आ चुका है ना, सबसे पहले तो भाई लाइक कर लो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो, हमारे ऐसे मजेदार गेम प्ले आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। स्मैकडाउन वर्सेस रॉ का पोस्टर, और मैंने पता नहीं किसको पकड़ लिया। अरे यार, नेम बार में क्लोज कर देता। अरे 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 अरे, नेम बार के चक्कर में यहाँ पर समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिनिशर लगा किसी को, शॉन माइकल ने लगाया फिनिशर, अच्छा डबल फिनिशर लगा दिया भाई। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, बंदे जो हैं वो कोशिश, जिनके पास में दो फिनिशर होंगे ना, वो पहले कोशिश करेंगे अपने अपोनेंट का ना फिनिशर लगाएंगे दूसरे को। और आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए ना, तो भाई मैनेज कर लेना कि आज मैं छुट्टी पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, मतलब सर्दी वगैरह कुछ हो गया है। चलो उसकी ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, पर हेल्थ इशू की वजह से घर पे हूँ और आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी, ठीक है ना, थोड़ी अलग भी लग रही होगी, तो भी भाई मैनेज कर लेना। बाकी पिन किसका हो रहा है, शॉन माइकल, अरे 3 नहीं हुआ, अच्छी बात है। राइट एंगल क्या कर रहा है, रेफरी से उलझ रहा है, बोल रहा है कि भाई तूने 3 क्यों नहीं करा। अब भाई शॉन माइकल क्या चाहिए, जॉन सीना को पकड़ूं, जब तक यार एक दो बंदा एलिमिनेट नहीं होगा ना तब तक भाई ऐसा ही रहेगा। और पकड़ लिया भाई मुझे भी, एक तो कंट्रोलर लास्ट टाइम की तरह भाई ड्रामा ना कर दे। ओके भाई शॉन माइकल ने फाइनली यहाँ पे फिनिशर लगा दिया, वो भी ट्रिपल एच को। अबे पकड़ ना सीना को यार, एक तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। अबे इतना एंगल चेंज कौन करता है यार। चलो फाइनली पकड़ लिया, सही है भाई, थोड़े बॉक्सिंग पंच।
बचा लिया भाई। ये क्या देखो, ट्रिपल एस को देखो भाई, अपने ट्रिपल एस को नोट करा, ट्रिपल एस ने डबल फिनिशर लगाया, सिंगल ही लगाया उसने, फिर उसके पास दो फिनिशर थे। और देखो मेरे को पीटा यहाँ पे रैंडी उटर ने तब, और एंकल ऑटोमेटिक देखो जॉन सीना की तरफ चला गया, उसके बाद शॉन माइकल की तरफ, और शॉन माइकल भी मेरे को पीटने ही वाले हैं इससे पहले कि कुछ हो जाए। फिनिशर लगा, फाइनली फिनिशर लग भी गया, हाथ ऊपर, मतलब लास्ट राउंड लग चुकी है। तेरे नाम पे सीना 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 पिन करूँ क्या, ट्राई करता हूँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है। अबे एंकल चेंज कर, पिन कर, हो जाए तो अच्छी बात है, फिर पीछे देख, नहीं हुआ। कर्ट एंगल का भाई डर्टी वाला बार देखो कितना बढ़ चुका है। तो करता सीना को एक और लगा दूं, अरे सीना बस बस बस। शॉन माइकल कहां से आगे पीछे से, अरे मेरा पिन मत करो यार, होने का चांस ही नहीं है। रिवर्स करा भाई, सीना के पास कुछ है, अबे क्या था, अबे रिवर्स कर लिया यार सीना, तू भी यार यही वाला रिवर्स करना था क्या। चाहता क्या है यार सीना, सीना ने डबल लगा दिया, वो भी रिवर्स हो गया। राइट एंगल भाई लेग के ऊपर अटैक कर रहा है, मैं को एक तो एलिमिनेट हो जाओ, एक भी अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ, मैं तो भाई सीना के पीछे हूँ। ये सीना के चांस मुझे जल्दी लग रहे हैं कि ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अबे इधर मत फेंक यार, अरे सीना के पास फिनिशर था, हो गया कान, हो गया हो गया, बच जाएगा यार, मुझे लग रहा है कि बच जाएगा, बच गया बच गया भाई, मैं तो बिल्कुल डैमेज नहीं था। अब इधर आ भाई, लास्ट राइड था, सीना हेड के ऊपर डैमेज होना चाहिए। एक तो रैंडी ऑर्टन यार पीछे ही खड़ा, इनका सीना हार जा, अरे रेफरी लेटा है यार, अब जब तक ये होश में आएगा तब तक सीना को होश आ जाएगी, रेफरी और लेट गया क्या भाई। एक तो कभी कभी चांस लगता है, वो चांस भी गया। धुलाई तो मैं सीना की ही करूंगी, ऊपर से यार ये बढ़ भी नहीं रहा, पता बाहर भी नहीं बढ़ रहा मेरा। रगड़ा, चलो रगड़ दिया भाई सीना को, आप बाकी लोगों का भी गेम प्ले देख सकते हो, और मैं तो भाई सिर्फ अंडरटेकर के ऊपर ही ध्यान दे रहा हूँ। ये क्या था यार, DDT, अच्छा इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पिन हो सकता है क्या, पिन करता हूँ, अरे वन पे की गोट, ये ले फिर, ये क्या है, रिवर्स तो नहीं हुआ ना, लग गया, मैं ट्राई करूं, हैवी मूव लग रहा है मेरे को, हैवी मूव हो तो पिन करवा लेना चाहिए। थ्री फिर भी नहीं हुआ यार, किसका एंगल मेरी तरफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ट्रिपल एच का कि शॉन माइकल का, दोनों का लग रहा है मेरे को। सीना सीना फ्री में हो जा एलिमिनेट यार, तेरे को क्या चाहिए। अंडरटेकर का एक और मूव है ना, नेक ब्रेकर, इसके ऊपर भी भाई पिन करने के चांसेस थोड़े कम ही हैं, पर ट्राई करना तो बनता है भाई। एक एलिमिनेट हो गया मतलब बाकियों को तो मैं कर ही लूंगा, पर मुझे लग रहा है कि ये क्या होता है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। साइडेड, अरे कट एंगल, तू भी साइडेड यार, पिन कर रहे थे उधर, ट्रिपल एस को लग गया फिनिशर, तो सॉरी ट्रिपल एस ने लगाया फिनिशर, उल्टा बोल दिया था मैंने, यार पिन कर भाई शॉन माइकल, माना कि मेरे फेवरेट टाइम पर एलिमिनेट करो यार इनको, थोड़े भाई बंदे तो कम हो। हाँ कट एंगल कर दे भाई सीना को भी एलिमिनेट, ट्रिपल एस के पास एक और फिनिशर,
अबे बाहर से टांग खींच रहा है शॉन माइकल, तेरे को क्या चाहिए यार? टांग कौन खींचता है? बच गया मैं, फ्री में पिन हो रहा है यार मेरे को। या सीना भी गया, अब बचे चार बंदे। कौन आ रहा मेरे सामने? ट्रिपल एच। अरे यार इनसे बच के रहना पड़ेगा यार, ये तो टांग वांग खींचने, ऐसा तो एकदम से पिन में नहीं था। देखा बोला था ना इंटरेस्टिंग गेम है, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस तो नेम बार वाला सिस्टम हटा देता, पर अगर हटा देता तो मेरे को पता कैसे चलता कि मैं कितना डैमेज हूँ, मेरे पास कितने फिनिशर हैं या बाकियों के पास कितने फिनिशर हैं, ऐसा फिर कुछ पता नहीं चलता ना। अरे टॉम स्टोन सेकेंड टाइम भी रिवर्स हो गया यार, लगता है टॉम स्टोन के ऊपर नजर लग गई किसी। चलो रैंडी ओटन, रैंडी ओटन ही सही। जल्दी से जल्दी भाई अपना पीछे बार बढ़ाओ, पर मुझे कट एंगल से खतरा लग रहा है यार, ये सबमिट करवा देगा। सीना अपने वही यूज कर रहे हैं टंड मूव, और शॉन माइकल को देखो पक्का भाई इनका ना डर्टी वाला सिस्टम है। या मैं भूल गया पता नहीं क्या था यार इनका। ट्रिपल एच रैंडी ओर्टन और अंडरटेकर। अरे ट्रिपल एच यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं भाई। लड़ो लड़ो भाई आप आपस में, अब तक के लिए मैं अपना फिनिशर बना लेता हूँ। बना गया, बन गया एक। अरे ट्रिपल एच मेरी तरफ फोकस, ट्रिपल एच के पास फिनिशर नहीं, अच्छी बात है। रैंडी ओर्टन पकड़ अपना लगा, रैंडी ओर्टन के पास भी फिनिशर नहीं है, फिनिशर वाले बंदे तो गए बाहर। देख शॉन माइकल तीन तीन फिनिशर लेके भाई एलिमिनेट, जॉन्स का तीन फिनिशर लेके एलिमिनेट। ये क्या इससे होता क्या, बंदे अट्रैक्ट होते हैं क्या अपनी तरफ? इस बार लगा डाउनस्टोन, इस बार लगा, फाइनली लग गया। ट्रिपल एच कहाँ पे है? ट्रिपल एच एलिमिनेट, डायरेक्ट पिन करो, डायरेक्ट पिन करो भाई, ट्रिपल एच को एलिमिनेट होना यहाँ पे बनता है। अबे थ्री नहीं हुआ यार, चल छोड़ फिर से बनाते हैं फिनिशर। कोई टांग मत खींच दे, अच्छा सीना भी टांग खींचने हैं, वो अलग बात है कि सीना के पास कोई था ही नहीं। एलेवन का ऑप्शन आ रहा है पक्का भाई, वहाँ पे कट एंगल और ना वो शॉन माइकल लड़ रहे हैं आपस में, है कहाँ पे दिख नहीं रहा मेरे को, बाहर में जा नहीं सकता। शॉन माइकल और कट एंगल आपस में लड़ रहे हैं भाई, मान जाना मान, ये पड़ी मेरे को। शॉन माइकल का ना वो आ रहा है, एलेवन का ऑप्शन आ रहा है बार बार। वो देखो इससे इस साइड देखने दो मुझे, वो देखो शॉन माइकल और कट एंगल आपस में बाहर लड़ रहे हैं। देखा साइड में देखा होगा आपने, 10 सेकंड पीछे कर लो, कट एंगल को पोल से टकराया था भाई वहाँ पे शॉन माइकल्स ने। दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ इस साइड चढ़ने की। अरे नहीं 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 नहीं, अबे यार मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, ये रैंडी ओर्टन को अलग ही पड़ी है भाई अपनी। ट्रिपल एच डर्टी मूव, फ्री फंडे में पीट रहा हूँ यार। रैंडी ओर्टन के पास नीचे कब आएगा? ट्रिपल एच ने लगा दिया अपना, तब तक के लिए देखें कि पिटाई चालू है कि नहीं, दिख नहीं रहे भाई मेरे को। पिन करो यार ट्रिपल एच। ट्रिपल एच तो हाईएस्ट ओवरऑल वाला सुपरस्टार था, वैसे कर्ट एंगल अभी 94 ही था शायद, इससे तो एंड में निपटेंगे। टॉम स्टोन तो भाई ज़रूर लगेगा भाई अभी। ऐसा ना हो कि यार मुझे अगर पेडिग्री लग गई तो मैं भी एलिमिनेट हो सकता। ट्रिपल एच स्कीम तो बड़ी तगड़ी तगड़ी लगा रहा है, हो गया काम। वाह बहुत सही, मैंने सोचा कि इस बार भी रिवर्स हो जाएगा पर नहीं हुआ, तो अंडरटेकर भाई इसी के साथ मैच भाई विन कर जाएंगे, पूरी गारंटी लग रही है मेरे को। रैंडी ओर्टन का भी एक फिनिशर आ गया। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को भाई स्मैकडाउन वर्सेस रॉ का ये सर्वाइवल बैटल रॉयल जो भी था, तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई हाँ जो भी बंदा न्यू था जरूर से भाई आप लोग लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मज़ेदार पुरानी पुरानी गेम्स की वीडियो भाई आप लोगों को देखने को इस चैनल पे मिलती रहेंगी। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।